हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं संतानहीनता में जरूरी जांचों के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि संतानहीनता होती क्या है। जब भी शादी को एक साल से ऊपर हो जाए और हम कोई गर्भ निरोधक यूज ना कर रहे हों और प्रेगनेंसी ना ठहरे, इसको हम बोलते हैं संतानहीनता। कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि अगर महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है या फिर अंडाशय या अंडकोश रिलेटेड महिला या पुरुष में कोई ऑपरेशन हुआ है, तब यह एक साल न लेकर 6 महीने लेते हैं। जब भी हम संतानहीनता के बारे में डिस्कस करते हैं कि शादी को एक साल या कुछ केसेस में 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो हमें कुछ जाँचें ज़रूरी होती हैं। इन जाँचों के बारे में समझने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी ठहरती कैसे। सामान्यतः अंडेदानी से अंडा फटता है जो ट्यूब द्वारा अंदर जाता है। पति के शुक्राणु योनिमार्ग से ऊपर आते हैं जो ट्यूब में मिलकर भ्रूण बनाते हैं और ये भ्रूण वापस से बच्चेदानी की परत में जाकर चिपकता है। अतः जो भी जांचें होती हैं उसमें हमें ये देखना है कि अंडेदानी में अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, अंडेदानी में अंडे की संख्या कितनी है, ट्यूब खुली हुई है कि नहीं, परत की बनावट कैसी है और मोटाई कैसी है, और शुक्राणु की जाँच कैसी है। इसलिए जब भी हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं संतानहीनता के लिए, तो फर्स्ट जांच होती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी माहवारी के 10वें से 12वें दिन के बीच में होती है और यह ट्रांसवेजाइनल यानी कि योनिमार्ग से होने वाली सोनोग्राफी होती है। क्यों? क्योंकि योनिमार्ग से जो सोनोग्राफी होती है उसमें बच्चेदानी, अंडेदानी और परत बेहतर तरीके से दिखाई देती है। इस सोनोग्राफी में 10वें से 12वें दिन के बीच में हो रही है तो अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा, अंडों की अंडेदानी में संख्या कितनी है और बच्चेदानी की परत की मोटाई कैसी है और बच्चेदानी की परत की बनावट कैसी है, यह देखा जाएगा। दूसरी जांच आती है पति के शुक्राणों की जांच। यह सामान्यतः 2 से 7 दिन के परहेज के साथ होती है, यानी कि आप 2 से 7 दिन आप लोग साथ में ना रहे हों तब ये जाँच होती है। इस जाँच में शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं की गतिशीलता और शुक्राणुओं की बनावट देखी जाती है। तीसरी जांच आती है हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में जो 2 बेसिक टेस्ट हैं वो हैं थायराइड और प्रोलैक्टिन। अगर ये 3 जांचें नॉर्मल हैं तो इसके बाद आती है बारी ट्यूब की जांच की, कि ट्यूब खुली हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर ट्यूब बंद है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ट्यूब की जांच मोटे मोटे तौर पर HSG नाम की एक जांच होती है जिसमें एक डाई डाल के पेट का एक्सरे लिया जाता है जिससे यह पता चलता है कि ट्यूब खुली हुई है कि नहीं। इसलिए जब भी हम संतानहीनता की प्रॉब्लम के साथ जाते हैं तो जाँचों की शुरुआत होती है सोनोग्राफी, शुक्राणु की जाँच, हार्मोनल टेस्ट और लास्ट में HSG यानी कि बच्चेदानी का एक्सरे। मोटे मोटे तौर पर इनका खर्च 4000 से लेकर 7000 के बीच में आता है, निर्भर करता है कि आप किस लैब में करा रहे हैं। ये बेसिक टेस्ट हैं। इन बेसिक टेस्ट के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि आगे किस इलाज की ज़रूरत है या फिर आगे किसी और जाँच की या किसी ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है। ये संतानहीनता संबंधित बेसिक जांचों के बारे में जानकारी। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछें। धन्यवाद।